बाला जी हिंदी प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। ये लव मैसेजेस होंगे आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए, जो ये बात आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये कहते भी हैं लेकिन आप इनको बिलीव नहीं करते हो, या फिर आप इनसे ये कहना चाहते हो। जो भी हैं, मैं लवर्स ऑरेकल से आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेज कन्वे करूंगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, और एनर्जी वाइज वर्षा भी होते रहते हैं, और ये कोई जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है। 72 घंटे के लिए इस रीडिंग को आप देख सकते हो। वैसे 72 घंटा क्यों, जो मैसेज ये आपसे देना चाहते हैं शायद ये हमेशा ये कहना चाहते हैं और आप से बोल नहीं पाते हैं या फिर आप समझ नहीं पाते हो, वो 72 घंटा हो और बहुत घंटे हो, लेकिन कुछ मैसेजेस कभी कभी कोई बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, कैंसेरियन, देख लेंगे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला मैसेज जो आया है, पैशन, ए मैग्निफिसेंट एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंडेड यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके चारों ओर एक मैग्निफिसेंट एंड सिडक्टिव क्वालिटी की, सिडक्टिव आपको पता है जो क्वालिटीज आप में है या फिर उनमें है, उन चीजों को आपको महसूस करने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि ये आपके चारों तरफ है और आप एक आकर्षण महसूस कर रहे हो उनको सोच के। इन चीजों को आपको ये महसूस करने के लिए बोल रहा है पैशन, जो उनका जो पैशन है या फिर ये आपका पैशन भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ये फील करना पड़ेगा कि ये आपके चारों तरफ है और उनका जो आकर्षण है उस आकर्षण को आपको फील करनी पड़ेगी। देख लेते हैं दूसरा जो मैसेज है ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये उनका एक सिलेक्टिवनेस आपको फील करने के लिए बोल रहे हैं। आपको ये फील करना पड़ेगा कि ये आपके चारों तरफ है और आप बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस कर रहे हो इनके तरफ से, ऐसा आपको सोचने के लिए बोला जा रहा है। देख लेते हैं दूसरी क्या मैसेज ये देना चाहते हैं आपसे। डोंट मेक डिसीशन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट्स ओनली एट द बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको किसी बात को लेके गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। जो आप सोच रहे हो और जो आप करना चाहते हो उसमें सिमिलरिटीज होनी चाहिए। फॉर दिस ओनली यू बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, आपको खुद के साथ सच्चे रहना है। आपको पता होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो क्या उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आप सच्चाई जानते हो। आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो यही बड़ी बात है। दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे आप को क्या समझ रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप खुद को जो आप करते हो, जो आप कर रहे हो उसमें अगर आप क्लियर हो, अपने आप में क्लियर हो, तो आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। दैट्स यू कैन बी ट्रू टू अदर्स, और आपको लोगों को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप सच्चे हो। जो आप हो, अगर आपके अंतरात्मा वो जानता है कि जो आप कर रहे हो, जो आप फील करते हो, जो आप सोच रहे हो, आपकी सोच में, कर्म में और करने में अगर सच्चाई है और वो आप खुद मान सकते हो कि मैं जो कर रहा हूँ ये सच कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है, तो आपको किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखेंगे नंबर 3 ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। कैंसर, सरेंडर एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर अवर लाइफ, लेट गो ऑल विल वर्क आउट। ये कहना चाहते हैं कि जो हो चुका है उन बातों को अगर आप याद करोगे, उन बातों में लगे रहोगे, उन बातों की परेशानी अपने दिमाग में लेके घूमते रहोगे तो कभी भी आप नई चीजों को, नई बातों को, नई सोच को अपने लाइफ में एंट्री नहीं दे पाओगे। इसलिए पुरानी चीजों को लेट गो करनी पड़ेगी और नए चीजों को अपने लाइफ में आने देना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ या फिर कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी भी रिश्ते में है, चाहे वो कांटेक्ट में हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, लव रिलेशन में हो, कोई भी रिश्ता हो, रिश्ता होनी चाहिए। सिंगल्स लोगों के लिए ये मैसेज नहीं है, क्योंकि जो सिंगल है उन्हें कौन मैसेज भेजेगा और वो किसके लिए ये सोचेंगे। जो रिश्ते में है उन्हीं के लिए है ये मैसेजेस। आपको सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर कहाँ करें? ओल्ड के पास। जो चीज आप सोच रहे हो पुराने, पहले इसने मेरे साथ ऐसा किया था, ये किया था, वो किया था, ये जो सोच है हमारी, इन सोच से खुद को बाहर लाइए। जो हो गया सो हो गया। अगर आप नए चीजों को अपने लाइफ में एंटर नहीं करने दोगे तो पुरानी चीज आपको परेशान करता रहेगा। इसीलिए लेट गो की एनर्जी में आइए और जो अभी आपके पास है उसको आप फील करें। देख लेते हैं ये और क्या कहना चाहते हैं आपसे। कैंसर यानी कैंसेरियन, कर्क राशि, देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन, टाइम, they are trying to hold, give it time। हो सकता है अभी ये वक्त सही नहीं है, आप लोगों के रिश्ते का वक्त सही नहीं चल रहा है, आप लोगों के रिश्ते में कुछ परेशानी चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो, लेट गो करने की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो, कोई बात नहीं, रिश्ते को वक्त दीजिए। ये वक्त जब सही वक्त आएगा आपको सही चीजों की पता जरूर चलेगी और रिश्ते में सब कुछ सही हो जाएगा। गिव इट टाइम, ट्राइंग टू हर्ट, ये जो वक्त है ये वक्त कठिन वक्त है। हो सकता है आप सोच नहीं पा रहे हो सकता है आपको सही गलत का समझ नहीं आ रहा है, तो यह एक तो आपको जैसे कि उन्होंने पहले जो कार्ड आया था उसमें लिखा था सरेंडर कीजिए, लेट गो की एनर्जी में आइए, और ये जो लास्ट कार्ड आया है मतलब अंतिम जो कार्ड आया है उन्होंने कहा है वक्त को आपको, रिश्ते को वक्त देना चाहिए, खुद को वक्त देना चाहिए। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको इसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए। वक्त सही वक्त में सही काम जरूर करेगा। पहला उन्होंने कहा है पैशन, ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा पैशन महसूस कर रहे हैं या फिर आपको करने के लिए कहा जा रहा है कि ये आपके आसपास ही है, आप इनकी मैग्नेट जो पावर है, उनकी जो पावर है उसे अनुभव करें। दूसरा जो है ये कह रहा है कि डोंट मेक डिसीशन बेस्ड ऑन गिल्ट, दूसरों की बातों में आके कोई भी डिसीशन ना लिया करें। आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ये आपकी अंतरात्मा जानता है।
हर किसी को क्लियरिटी देते फिरना फिरने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानते हो आप सही हो तो ये आपके लिए सही है। दूसरा तीसरा जो है, आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको पास्ट को सरेंडर करना पड़ेगा और आपको नए को अपने लाइफ में एंट्री देनी पड़ेगी। अगर आप पास्ट की बातों से खुद को अभी तक जकड़े रखोगे तो नया कभी भी आप नहीं सोच पाओगे, ना अपने लाइफ में नई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ना अच्छा कुछ आपके साथ होगा। इसीलिए आपको पास्ट की चीज़ों को सरेंडर करके नए को अपने लाइफ में वेलकम करना चाहिए। नंबर फोर, टाइम। ये सबसे कीमती कार्ड है मेरे हिसाब से, वक्त। हर किसी को वक्त जवाब दे देता है। जो जवाब हम लोगों को नहीं दे पाते हैं, जो हमें जवाब नहीं मिलता है, सही वक्त पर सही जवाब हमें जरूर मिलता है। और कौन देता है? यूनिवर्स देता है वक्त के जरिए। तो आपको सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। जो भी आप जानना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी लोग आपसे बोलना चाहते हैं, जो जिस बात के लिए आप परेशान हो, वो सारी परेशानी आपको आपकी खत्म हो जाएगी सही वक्त आने पर। अभी हम देखेंगे कि ये एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एंजल की तरफ से भी आपके लिए मैं देखूंगी कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए इस मैसेज के बेस पर। कॉम्प्रोमाइज, बैलेंस। आपको अपने लाइफ में बैलेंस की जरूरत है। अगर आप इम्बैलेंस हो, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लोगों की बातों से, रिश्तों से, वक्त से, परिस्थिति से अगर आप परेशान हो, तो अपने लाइफ में बैलेंस लाइए। संतुलित तरीके से लाइफ को लीड कीजिए। पेशेंस रखिए। आप अगर पेशेंस रखते हो, बैलेंस करते हो, तो धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएगा। पेशेंस की ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।